आपने सबने सुना है महिषासुर की कहानी महिषासुर राजा था कई जगह लोग उनको भैंस का सिर लगा देते हैं ऐसा नहीं उसका सिर भैंस भैंस का था था मगर जैसा महिषासुर इतना मजबूत हो गया था वो सारे देवताओं को परेशान कर डाला किसी को अपना काम करने नहीं दे रहा था उसने तो वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से महिषासुर भी तपस्या सकता देखो तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया क्या मुझे अमर बनाओ ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई अमर तो तू तो नहीं दे सकता हूँ मर तुम मृत्यु कहाँ से नहीं होना चाहिए ये पूछ सकते हो तुम चुन सकते हो तुम्हें मृत्यु कहाँ से होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो थोड़ा मंदबुद्धि तो होते ही हैं असुर उन्होंने तो पूरा पट्टी बना ली मुझे बूढ़े से युवा से किसी से मुझे मृत्यु नहीं चाहिए राजा से नहीं चाहिए और जल में थल में गगन में इधर उधर सब पूरा लिस्ट बना लिया मगर उसमें महिला को छोड़ दिया उसने अरे महिला था अबला है वो क्या कर सकते हैं आपको ऐसा सोच के उसने महिला को छोड़कर बाकी सब का नाम लगा के वर मांग लिया ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कर दी फिर समस्या खड़ी होगी जब समस्या खड़ी हो देखो यहाँ पर गुड़ार्थ क्या है महिष माने क्या आलस्य आलस्य ऐसा झकड़ लेता है तुम्हारे भीतर जो अच्छे गुण हैं, उन सबको भी दबा देता है तुम्हारे भीतर जितना सृजनात्मकता है वो भी दब जाता है तुम्हारे भीतर जो अच्छा करने का मन है वो भी दब जाता है सब कुछ को दबाने वाली कोई चीज होती तो वो आलस्य है जड़ता है घोर जड़ता पकड़ ले किसी भी विज्ञानी को इतना अच्छा बुद्धि होते हुए वो कुछ नहीं करता ऐसे कोई कर्मठ व्यक्ति को जड़ता पकड़ ले वो कुछ भी नहीं कर पाता प्रगति नहीं कर पाते चाहे वो कलाकार हो या विज्ञानी हो जड़ता सबसे बड़ा असुर है जड़ता सबसे बड़ा बाधा है और जड़ता का प्रतीक है महिषासुर भैंस को हम इसे लिखे थे ना भैंस जैसे बुद्धि है मंद बुद्धि को कहते हैं ना फिर सारे देवता घबरा गए ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मीटिंग हुई तीनों बैठ के बोले कि अच्छा क्या करें भाई तो तीनों ने ध्यान लगाया तीनों के ध्यान से वो तेज पुंज निकला उस तेज पुंज ने एक स्त्री का रूप लिया और उस रूप को सब देवता ने अपने अपने अस्त्र दी अपने अपने गुण प्रदान की तो वो एक संपूर्ण शक्ति बन के निकली उस शक्ति वो दुर्गा शक्ति जो निकली उससे फिर वो महिषासुर का वध हुआ ये है कहानी ऐसा नहीं सोचना कभी हो गया था अभी नहीं है ये नित्य चलता है ये प्रकृति में सूक्ष्म जगत में महिषासुर की वध हर साल होता रहता है हमेशा होता रहता है तो वो दुर्गा शक्ति जागे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्ति से दुर्गा शक्ति तो तीनों शक्ति मिले तो क्या हो जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश मिले तो गुरु शक्ति गुरु शक्ति से जो प्रकट होता है वो शक्ति दुर्गा शक्ति है उसमें सारी देवता अपने बल अपना अस्त्र उनके साथ दे देते हैं गुरु के द्वार पर सारे देवता खड़े हैं अपना आपको वर देने के लिए सिद्धियाँ देने के लिए ऐसे वो सारे वर सारे सिद्धि के मूर्ति रूप है दुर्गा जी दुर्गा माँ जागी तो महिषासुर का वध हो गया तो फिर सारी देवता प्रसन्न हो गए अपने काम में लगे कुंडलिनी शक्ति यही तो है दुर्गा जी तो एक कुंडलिनी शक्ति जागती है तो सारे असुर भस्म हो जाते हैं कहते मैसूर जो है जहाँ पर महिषासुर रहते थे वहां महिषासुर का वध किया चामुंडी ने एक प्रदेश का स्थान का भी एक स्तर पर लोग सोचते हैं जबकि हम तो ये कहेंगे ये निरंतर चल रहा है सूक्ष्म जगत में इसलिए दुर्गा माँ सब जगह सर्वत्र रहती है कि और तुम्हारे भीतर रहती है तुम जो मांगोगे तो देती रहती तेरे को देवता उनको पूछी माँ ने देवी पूछती आपको क्या चाहिए तब वो बोलते माँ तुमने पहले ही दे दिया सब कुछ तुमने कोई कमी रखी नहीं हर काम जो आपका होता पूर्ण होता है तो हमारे पास मांगने के लिए कुछ रखा ही नहीं आपने देवता सब मिलके कहते हैं तुम ही सब कुछ हो तुम मेरे पीछे आगे सर्वत्र व्याप्त हो तुम देवी जननी परा तुमसे ही सब कुछ है इस तरह से वो स्तुति करते हैं ये दैवी गुण का प्राकट्यकरण है सब कुछ मिला है हम सिर्फ धन्य भागी हैं ये भाव प्रकट होना ही आ, दैवी संपदा है योग की विद्या में योग के जगत में ये शक्ति है अंदर कुंडलिनी शक्ति कहते प्राण शक्ति हमारे भीतर जागती है तो तृप्ति आनंद चिन्मयता हमारे में हमेशा बना रहता है